हाय गाइस, माय नेम इज नितेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो लोग घर से काम कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह रिमोटली अगर आप काम करते हैं, तो उसके लिए ये इक्विपमेंट जो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम से मैं भी परेशान था, मैं भी वायरलेस ब्लूटूथ वगैरह यूज कर रहा था। अपने जो नॉर्मल वाले जो 3.5 mm जैक के जो ईयरफोन आते थे, मैं उन्हीं यूज कर रहा था, लेकिन उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये जाबरा के हेडफोन्स। इसके अंदर माइक्रोफोन भी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले इस प्रोडक्ट का डिटेल्ड रिव्यू, क्योंकि इसको यूज करते हुए मुझे हो चुके हैं 2 महीने। तो इसका मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस हेडफोन्स के साथ में, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस अगर आप मार्केट से कोई भी ईयरफोन्स को या फिर हेडफोन्स को परचेज करते हैं, तो उसको लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा। तो जो भी प्रोज हैं, जो भी कॉन्स हैं, जो भी मैंने फील किया है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हेडफोन्स के बारे में। तो जो नेसेसरी सेट ऑफ इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, तो एक तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप के साथ अगर आप इसे परचेज करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ खासियत जान लेते हैं इस हेडफोन्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कंपैटिबल और सर्टिफाइड ये डिवाइस है। तो अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो मोस्टली वो भी शायद मुझे लग रहा है यही रेकमेंड करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम यूज करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। और जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें काफी सारे ऐसे हेडफोन्स होते हैं जो कंपैटिबल नहीं हो पाते, लेकिन अगर आपका जो ऑफिस का लैपटॉप है उसके साथ ये बिल्कुल सर्टिफाइड तरीके से यूज आप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जब मुझे ये मिला तो इसको मैं इजिली यूज कर पा रहा हूँ अपने ऑफिस लैपटॉप के साथ। प्लस मैं इससे वीडियो एडिटिंग भी कर पा रहा हूँ और मैं वॉइस डबिंग भी कर पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे कोई एक्सटर्नल कोई माइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे। चलिए, दूसरी सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसके बारे में ये लगी कि ये बहुत ही लाइट वेट है। मतलब काफी हेडफोन्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कान पे लगाओगे, या हेडसेट ऐसे होते हैं जिन्हें आप कान पे लगा के ज्यादा टाइम तक यूज करोगे, तो आपके या तो कान गर्म हो जाएंगे या तो आपको बहुत ही इरिटेटिंग फील होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा। लेकिन ये इतने लाइट वेट है गाइस कि ये मेरे को पता ही नहीं लगता। मतलब अगर मैं इसको लगाता हूँ तो मुझे काफी एक अच्छी फीलिंग देता है ये हेडफोन। और इसके अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी है, बेसिकली ये ओवरऑल प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक के साथ जो इसकी कलर स्कीम वगैरह दी हुई है ये भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। प्लस बहुत ही इजी टू कैरी और बहुत ही हल्के, मतलब काफी लाइट वेट है ये। और इसके साथ जो इसका ये माइक आता है, तो ये बेसिकली ये भी प्लास्टिक का ही मटेरियल है, लेकिन इसको अगर आप यूज करेंगे तो ये इजीली एडजस्ट हो जाता है आपके चेहरे के साथ। और प्लस अगर इसको आप यूज नहीं भी करना चाहते तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पे यूं बंद भी करेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे तो आप इसको सिंपल हेडफोन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको माइक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये इस तरीके से होगा, और अगर आपको माइक की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसे यहाँ ले आइए अपने चेहरे के पास, एडजस्ट कर लीजिए, तो इसमें आपकी जो साउंड है वो भी बहुत ही क्लियरली रिकॉर्ड होने वाली है। प्लस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना गाइज, ये जो प्लास्टिक के साथ ये जो फील दी हुई है, तो इसको अगर हम टच भी कर रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है ये। और ये भी इसके जो है, आपका जो सर है उसके साथ ये इजिली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मुझे काफी अच्छी बातें लगी हैं इसके बारे में। प्लस इसकी जो वायर है वो थोड़ी वन प्लस वाली फील देती है, बट ऑरेंज कलर की है। और अगर मैं आपको इसका ये वाला एंड दिखाऊं तो इसके साथ हमें क्या मिलता है ये। तो अगर आप इसे नॉर्मल 3.5 mm जैक यानी अपने फोन के साथ भी यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। और अगर आप इसको USB की तरह यूज करना चाहते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर पे लगा करके, तो आप इसे बाय 3.5 mm जैक की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको सिंपली अपने कंप्यूटर के साथ प्लग एंड प्ले कर दीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मीटिंग्स में आपको टर्न ऑफ करना है और ऑन करना है आपका जो म्यूट है, क्योंकि उसमें काफी बार हम ऑनलाइन मीटिंग्स जो भी अटेंड करते हैं उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है म्यूट पे रहते हैं, तो जब भी हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर मीटिंग या फिर क्लास अटेंड करते हैं, तो हम उसमें चाहते नहीं कि हमारा माइक जो है वो बार बार ऑन रहे। तो उसके लिए क्या होता है, कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है, हमारा माइक ऑन ही रह जाता है और हमारी जो बातें पर्सनल वो भी मीटिंग में चली जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको आप इसके अंदर लगाएं। और ये जो इसका पैड है, ये जब भी आप इसको यूज करेंगे तो इसमें आपका ये बटन है म्यूट करने का और अनम्यूट करने का, या फिर कॉल उठाने का या कॉल रिजेक्ट करने का। प्लस प्लस माइनस वॉल्यूम रॉकर बटन भी दिया हुआ है इसके अंदर,
तो ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी कि मुझे कंप्यूटर पे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, म्यूट अनम्यूट, उससे काफी कंफ्यूजन हो जाती है। इससे बेटर है कि सीधा इसको म्यूट किया, ये रेड हो गया, मुझे पता लग गया कि भाई मेरी आवाज नहीं जा रही है। और यहाँ पर ये उसका यूएसबी पॉइंट दिया हुआ है, इसकी भी तार काफी लंबी है ऑलरेडी, अभी ये रैप है क्योंकि मेरे को इसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना है, अदरवाइज तार उलझने का चांसेस रहता है, तो मैंने इसको इसी तरीके से रखा हुआ है। तो यानी काफी लंबी तार है अगर आप देखें तो, यहां से लेके यहां तक, और प्लस इसके बाद अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, तो प्लस इसकी भी लेंथ काफी अच्छी है। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह की एक पैकेजिंग में डिलीवर हुआ था मेरे पास, और ये काफी नाइसली पैक था। फिलहाल इस तरीके की ये पैकेजिंग के साथ मेरे घर पे डिलीवर हो गया था सेफली। उसके साथ में क्या क्या मिलता है, ये इसका कैरी केस मिलता है, इसके अंदर आप इसको इजिली पैक कर सकते हैं, और इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है मुझे। मेरे को जो ये मिला है इसका बैग, इससे मैं काफी खुश हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही इजी, और इसका मटेरियल भी ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बुरा है या फिर अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो इसका मटेरियल भी ठीक है, मतलब मुझे ठीक ठाक लग रहा है कि ओके ओके है, नो नो प्रॉब्लम, इसके साथ कोई मुझे इशू नहीं लग रहा है। और इसकी जिप भी काफी स्मूथ है, मतलब कहीं पे भी अटक नहीं रही है, चाहे मैं इसको कितना भी वो कर लूं, इजिली ओपन हो रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कहीं धागे वागे हैं और वो धागे इसके अंदर अटक रहे हैं जैसे कुछ केसेस के साथ होता है। और प्लस कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं अंदर धागे वागे निकले हुए हैं ऐसा कुछ, तो काफी मतलब अच्छा ये इन्होंने पैकेजिंग प्रोवाइड करी है। तो ये तो थी कुछ अच्छी बातें, और प्लस इसका जो बजट है वो भी मुझे मतलब काफी बजट फ्रेंडली लग रहा है, मतलब 4-5 हज़ार के अंदर अगर आपको इस क्वालिटी के हेडफोन्स मिल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके गाइस, तो अभी तक तो की हमने इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें, अब थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी हम लोग गिन लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा नहीं है, बट हाँ एक दो हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो जहां तक आप इनको सुन रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है, मतलब कि ये इसकी कोई नेगेटिव फॉल्ट नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये वायर्ड है। अगर ये वायरलेस होते तो आप अपना लैपटॉप एक जगह पर रख सकते थे और इजीली मूव अराउंड कर सकते थे। मतलब होता है कभी कभी कि हमें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, हम लोग बीच में डिसएंगेज हो जाते हैं, लेकिन ये इसकी एक अच्छी बात भी है कि अगर आप मीटिंग के अंदर हो तो आपको ऑलवेज अटेंटिव रखेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आपको पता है कि आप अभी उठ के कहीं नहीं जा सकते हो। बट अगर ये वायरलेस में हो तो आई थिंक आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप इसको लगा के इजिली वॉक अराउंड कर सकते हो। बट उसके लिए मैं आपको एक और अच्छा ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ कि वायरलेस के लिए मैं यूज करता हूँ ये वन प्लस बड्स जी, जिसके थ्रू अभी मेरी जो साउंड है वो आप सुन रहे हो, तो इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, ये भी काफी बजट में आते हैं। ये जो मैंने अभी यूज कर रहा हूँ, अब अगर आप देख रहे हो, इसका भी मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, कि अगर आप एक्टिवली यूज करना चाहते हो हेडफोन्स को अपने सिस्टम में, क्लास अटेंड करने के लिए, एज अ स्पीकर, पॉडकास्ट करने के लिए, या फिर जो भी है, अगर आपका जो भी पर्पस है, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह वगैरह जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको यूज करो, क्योंकि ये काफी ट्रस्टेड है, मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा। कभी कभार ब्लूटूथ वालों में ये मतलब प्रॉब्लम आती है कि आपका मान लीजिए ब्लूटूथ डिसकनेक्ट हो गया या फिर चार्जिंग खत्म हो गई, कुछ हो गया तो बीच में आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी डिसकनेक्ट नहीं होगी, मतलब जब तक आपके सिस्टम में पावर है तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि यूएसबी के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो कुछ थी इसकी अच्छी बातें, लेकिन अगर आप सिर्फ सुनने के लिए अपनी मीटिंग के अंदर अवेलेबल हो, कि आपको बस सुनना है सुनना है सुनना है, और आपको बीच में कभी कभार बुला लिया, इन्वॉल्व कर लिया, तो अगर आपको मान लीजिए कहीं वॉशरूम जाना है, कहीं अंदर बाहर घूमना है, बस आपको एक्टिव सुनना है चीजों को कि बस मैं क्लास के अंदर हूँ और मुझे सिर्फ सुननी है बातें, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको ये वन प्लस बड्स जी पे जाइए, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों परचेज कर सकते हैं, जो भी आपका पर्पस हो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इजीली आपके किसी भी सिस्टम के साथ, स्मार्टफोन के साथ, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ ये कनेक्ट हो सकता है, शर्त है कि उसके अंदर ब्लूटूथ होना चाहिए। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने आपको रेकमेंड कर दिए, इसका लिंक मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, जहां पर मैं एक लाइव कॉल ज्वाइन करने वाला हूँ एक मेरे फ्रेंड के साथ में गूगल मीट पे। तो अगर आपकी कॉल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रहती है, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, तो मैं उनसे भी लाइव बात करने वाला हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, और मैं खुद उनसे पूछूंगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ब्लंटली आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसको। ओके गाइज, तो अब मेरी एक लाइव कॉल शुरू होने वाली है, और अब मैं यूज करने वाला हूँ इन हेडफोन्स को लाइव गूगल मीट की कॉल पे। तो
मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको हेडफोन्स को कनेक्ट कर लिया, माइक की प्लेसमेंट भी कर ली है, यूएसबी के थ्रू यहाँ मेरे सिस्टम पे कनेक्टेड है, और मैं फटाफट से आपको दिखा भी देता हूँ। लाइव मैं कॉल ज्वाइन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बात करूंगा थ्रू दीज हेडफोन्स, और मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी है। कैसा रवि भाई? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे। एक्चुअली क्या है, इसके ना दो कनेक्शन है। एक तो ये है कि इसका यूएसबी के थ्रू जैसे हम 3.5 mm जैक है उसको लगाते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो तो हो गया जो मतलब डिजिटल नहीं हुआ, वो एनालॉग हो गया कि हेडफोन्स के थ्रू एनालॉग सिग्नल जा रहा है सिस्टम के अंदर, और फिर वो हमारा कंप्यूटर ही डिजिटल कन्वर्ट करके फिर आपको आवाज भेज रहा है। बट अभी मैंने क्या किया है, इसका जो ये यूएसबी वाला है ना, मतलब इसके अंदर 3.5 mm जैक भी है, उसको मैंने उसके डायलर के अंदर जो यूएसबी के थ्रू इसका जो सेल्फ कन्वर्टर है जैबरा का, उसके अंदर लगा के यूएसबी के थ्रू अपने सिस्टम में लगाया, तो आई थिंक इट्स इसकी वजह से आपको बेटर आ रही होगी। तो कोई जैसे अभी पंखा चल रहा है और इंडोर में हो, मतलब नॉइस कैंसिलेशन कैसी आ रही है आपको? लेकिन इसका बेस्ट चीज क्या है कि ये आपको साथ में मिलता है इसका, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको इसके अंदर लगाएंगे एंड देन यहां पर इसका ये यूएसबी पोर्ट है, इसको आप अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने इसको यहां पे अब लगा दिया, तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये एक्टिवेट हो चुका है, तो यहां से आप कॉल रिसीव कर सकते हो, कॉल म्यूट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, और ये सेंटर बटन है। तो इसके थ्रू आप जब इसको पहनते हो और यूज करते हो तो आपकी जो क्वालिटी है ऑडियो की वो काफी अच्छी हो जाती है, और रिसेप्शन एंड पे कोई दिक्कत फील नहीं होती। प्लस इसका एक और एडवांटेज मुझे ये लगा कि जो अब मैं वीडियो भी बना रहा हूं तो वीडियो बनाने के टाइम पर भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है, यानी ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने में भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है। प्लस जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं तो इसमें भी इसका एक यूज मिल रहा है कि जैसे मैं अगर मान लो इसको अपने वीडियो एडिटर के साथ यूज करता हूं तो मैं साउंड तो अपनी सुन ही रहा हूं, प्लस इनकेस अगर मुझे वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर करने के लिए ये जो माइक है ये मुझे काफी हेल्प कर रहा है। मतलब मुझे अलग से कोई माइक सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि भाई हेडफोन्स अलग लगाओ, माइक अलग लगाओ, एक ही से दोनों काम हो पा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है लाइफ को जितना सिंपल बना सके उतना सिंपल बनाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि लाइव के इस कैम इससे मैं अब इस वीडियो में इस कैमरे के साथ जो मैं जिससे वीडियो बना रहा हूं, अभी जो आप सुन रहे हैं वो तो मेरे डिफॉल्ट कैमरे का माइक्रोफोन है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा इसके 3.5 mm जैक को यूज करके इसको अब मैं लगाता हूं अपने कैमरे के अंदर। ओके गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हेडफोन्स जैबरा के, और ये रहा मेरा माइक्रोफोन, और ये मेरा कनेक्टेड है अब मेरे कैमरा के साथ में। तो जो भी आवाज़ आ रही है वो आपके पास इसी माइक्रोफोन से आ रही है, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ की क्वालिटी में डिफरेंस लग रहा होगा जो मेरे कैमरा का जो डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन है और प्लस जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसमें। तो आप खुद ही टेस्ट कीजिए, जज कीजिए कि कैसी आ रही है मेरी आवाज़, और प्लस ये देखिए कि क्या साउंड क्वालिटी आ रही है। अगर आप भी इसको ढंग से सुनना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप भी ईयरफोन्स में ही लगा करके मेरी वीडियो को सुने, इस पार्ट को स्पेशली, क्योंकि तभी आपको रियल पता चलेगा कि मेरी आवाज वाकई में कैसी आ रही है आपके पास। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके फीडबैक है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो उस डिवाइस से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन टेक केयर।